नर्मदा जी की किनारे एक स्थान है, वहां हम एक बार कथा करने गए तो वहां हमने देखे 500 महल थे, वहां एक से बढ़ के खूबसूरत पत्थर की नक्काशी और हजारों साल पुराने। वहां पर जहां राजा लोग पहले माइक वाइक हुआ नहीं करते थे और हजार लोगों को संबोधन करना हो तो कैसे आवाज पहुंचाएं, तो वो ऐसा बनाते थे कि इकोसिस्टम बने। देखो जरा, ऐसा नहीं कि पहले के लोग बेवकूफ थे, पहले ऐसे आविष्कार होते थे कि वहां पर राजा बैठते थे, हजारों लोग बैठे तो सबको बिना माइक के सुनाई, आज भी वहां पड़ता है। वो इकोसिस्टम बनाया गया, पत्थर का ऐसा गोल, आपके घर में भी आवाज गूंजती है ना, पर आपके घर में कम, उसको बनाया ही इस डिजाइन से था कि पूरी आवाज बढ़ के आए, और धीरे से भी कोई बोले तो बहुत जोर की सुनाई पड़ता है। तो ये सब टेक्नोलॉजी हमारे देश की है, और अब साइंस आज आया है ना, विज्ञान, हमारे यहाँ पूरा काम पहले वास्तुशास्त्र से होता था, कहाँ कमरा रहेगा, कहाँ रसोई रहेगी। आज बड़े बड़े इंजीनियर जो पढ़ रहे हैं वो भी वास्तुशास्त्र जब तक ना पढ़े तब तक उनकी इंजीनियरिंग पूरी नहीं मानी जाएगी, तुम्हारा घर गलत बना देंगे बिना वास्तु के हिसाब से। रसोई आग्नेय कोण में ही होनी चाहिए, मंदिर ईशान कोण में ही होना चाहिए। ईशान कोण पूरब और उत्तर के कोने को ईशान कहते हैं, दक्षिण और पूरब के कोने को आग्नेय कहते हैं। रसोई आग्नेय में हो, मंदिर यहाँ हो, पति पत्नी का मास्टर बेडरूम कहाँ हो, हमेशा वो बेडरूम किस स्थान पर हो। वास्तु कहता है यदि सही जगह पर तुम सोते हो तो तुम सदा सुखी रहोगे, गलत जगह पर सोते हो सदा रोगी रहोगे, चिड़चिड़े रहोगे। सही दिशा की तरफ सिर करके सोते हो सुखी रहोगे, गलत दिशा में सिर करके सोओगे चिड़चिड़े रहोगे, जल्दी मर जाओगे। सोने वाले कहाँ सोए, पति पत्नी को अक्सर घर का जो मास्टर बेडरूम, घर का मुखिया कहाँ सोए, दक्षिण, दक्षिण और पश्चिम का कोना, दक्षिण पश्चिम की तरफ आपका मास्टर बेडरूम होना चाहिए। और सोना किस दिशा में, सोने के लिए सबसे अच्छी दिशा होती है या तो पूर्व या तो दक्षिण, या तो पूर्व या तो दक्षिण। विषम परिस्थिति में पश्चिम की तरफ भी सिर करके सोया जा सकता है, पर किसी भी हाल में उत्तर दिशा की तरफ सिर करके ना सोइएगा। आप आज ही चेक करिए कि आप लोग सोते हैं कहीं उत्तर दिशा की तरफ सिर करके तो नहीं सोते, क्योंकि उत्तर दिशा की तरफ चुंबकत्व ज्यादा होता है। देखिए कितना साइंस है हमारे यहाँ, उत्तर दिशा की ओर चुंबकत्व। आज भी जो बड़े बड़े प्लानों में जो दिशा निर्देश लगा होता है वो चुंबक से ही बनता था पहले, आजकल तो ठीक है ऐप वगैरह आ गए सबसे पता चल जाता दिशा का ज्ञान। पहले आप चुंबक को लटकाएंगे तो वो एक ही दिशा में जाके रुकेगी, सही है। ये देखिए प्रकृति ने अपने आपको पहचानने का मौका दिया है, दिशाओं का ज्ञान ऐसे होता है। ये टेक्नोलॉजी कोई आज की थोड़ी है, अनादि है, हमारे वेद पुराणों से निकली है। अब कोई लोग अपना मोहर थप्पड़ लगा दें और अपना श्रेय ले लें, अलग विषय साहब तुम ले लो, पर तुम हमें बेवकूफ ना समझो। हम भारतीय लोग हैं, हम वेद पुराणों के अनुसार जीते हैं, और हमारी थ्योरी ही इस धरती की सबसे प्राचीन थ्योरी है। हमारा वेद पुराण ही इस धरती के पहले लिखित में ग्रंथ क्या थे, हमारे वेद पुराण। पूरा साइंटिफिक है, कोई भी साइंस की बात आप हमसे कर लीजिएगा, हम आपको लिखी बता देंगे हमारे वेद पुराणों में कि ये देखो ये लिखा। लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत फलाने ने दिया, ना जी, हमारे यहां के ऋषि मुनियों ने दिया, पहले ही से था, तुम ना पढ़ो तो हम क्या करें। चलिए बातें ठीक हैं, पर आपको यह समझना है कि हमारे वेद पुराण को आप हल्के में ना लीजिएगा, ठीक है। वास्तु का ज्ञान, आपको वास्तु का ज्ञान होगा और आपने का घर ने वास्तु के हिसाब से बनवाया है तो आप सुखी रहोगे अपने घर में, तरक्की आपकी ज्यादा होगी। वास्तु बिगड़ गया, कहाँ लाइट बात होनी, ईशान कोण में लाइट बात ना होनी चाहिए। जब भी नया घर बनवाओ सुन लो, जब भी जो पुराना बन गया है सो बन गया, उसे ज्यादा तोड़ा फोड़ी ना करना, क्षमा करना, है ना।
पर जो नया बनवाओ उसको थोड़ा वास्तु के हिसाब से एक बार देखो। आजकल तो गूगल में यूट्यूब पे सब चीजें उपलब्ध हैं, आप गूगल बाबा से पूछ लो, गूगल बाबा आप बताओ घर कैसे बनाएं, वो सब बेचारा बता देगा। आप हमें फोन लगाने की जरूरत नहीं है, गूगल बाबा सब बता रहा है। तो गूगल बाबा में भी तो ज्ञान हम लोगों ने डाला है तब तो बता रहा है, अपने से थोड़ी बता रहा है, वो तो एक साइड है, बताने का प्लेटफॉर्म है। बाकी ज्ञान तो आप जैसे हम जैसे लोगों ने डाला है उस समय तब तो बता रहा, तो आप लोग गूगल के द्वारा भी अपना काम कर सकते हैं। भाई आपके साथ सही होना चाहिए, इतना बड़ा घर बनाओ करोड़ लगाओ और गलत बना लो, है ना, नुकसान हो, अच्छा नहीं। जिस घर में रहो शांति होनी चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा जागरूक भारत के लोग बनो अब, ठीक है, थोड़ा जागरूकता से काम किया करो। हमारे वेद पुराणों में पूरा साइंस, मेडिकल साइंस तो कूट कूट के भरा है। बताइए सबसे बड़े सर्जन कौन है इस धरती के, कौन बताएगा इस धरती के सबसे बड़े सर्जन कौन? भगवान शंकर। दो ऑपरेशन किए उन्होंने सबसे पहले, एक अपने ससुर जी का एक अपने बेटे का, दो ऑपरेशन किए और दोनों सक्सेसफुल, और ऐसे ऑपरेशन कर डाले कि आज तक दुनिया का कोई वैज्ञानिक ना कर सका। आदमी के सिर में, आदमी के शरीर में हाथी का सिर कौन लगा पाया, कौन वैज्ञानिक? और शरीर आदमी का और बकरे का सिर कौन लगा पाया बताइए। अभी मैंने एक दिन सुना कि दिल्ली में कोई डॉक्टर ने एक आदमी के दिल उसका खराब हो गया तो उसने सुअर का दिल लगाया और वो ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। किसका दिल? सुअर का। तो ये ऑपरेशन आपने, आज का विज्ञान कहां तक पहुंच गया कि आदमी के दिल को बदल के वो सुअर का जानवर का लगा सकता है, सक्सेस हुआ, जिया आदमी। उसकी छुट्टी भी बता रहे थे अखबार टीवी में कि होने वाली, पर मैंने न्यूज़ देखी नहीं, पता नहीं वो कौन से घर गया, यहाँ वाले के वहाँ वाले, बाद में ये जानकारी कुछ प्रॉपर है नहीं, बस ये था कि सक्सेस था। यदि दो घंटे भी जी गया वो आदमी सुअर के दिल से तो सक्सेस ही माना जाएगा, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। तो ऑपरेशन आज के वैज्ञानिक तो दिल ही बदल पाया, यहां शंकर जी ने तो पूरा सिर बदल दिया। तो आज के वैज्ञानिक आप पढ़ें लिखें अच्छा है, पर अपने शास्त्रों का सम्मान करें कि ये जो तुम्हारे अंदर पढ़ने की क्षमता है, जो तुम कर रहे हो, इसकी शुरुआत हमारे संतों ने, ऋषि मुनियों ने, भगवान शंकर ने की है, शास्त्र इसका प्रमाण दे रहे। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी आपने शंकर जी को देखा है? हमने कहा भाई साहब तुम्हें ऐसा क्यों पूछने की जरूरत पड़ गई? बोले महाराज जी वेद पुराणों में जो लिखा है हो सकता झूठा भी लिखा हो। हमने कहा भाई ये बताओ तुमने महाराणा प्रताप को देखा है? बोला नहीं। मैंने कहा तुमने महात्मा गांधी को देखा है? बोला नहीं। मैंने कहा तुमने मंगल पांडे को देखा है? बोला नहीं। मैंने कहा तुमने अपने बाप के बाप के बाप के बाप के बाप के बाप को देखा है? बोला नहीं। मैंने कहा तुमने इतने लोगों को नहीं देखा, तो तुमने नहीं देखा तो क्या ये मान लूं कि ये लोग नहीं थे? अरे भाई साहब इतिहास जो कहता है, इतिहास जो कहता है वो इसलिए कहता है क्योंकि थे, इसलिए इतिहास है। आने वाले समय में, आज का समय इतिहास के पन्नों में मिलेगा आपको, हाँ या ना? महात्मा गांधी को मैंने नहीं देखा तो मैंने नहीं देखा, पर इतिहास में पढ़ा तो है कि महात्मा गांधी करके कोई आदमी थे। झांसी की रानी के मैंने नहीं देखा पर पढ़ा है, खूब लड़ी मर्दानी। अब आप कहो नहीं जी मैंने तो झांसी की रानी को नहीं देखा, मैं नहीं मानता कि झांसी की रानी थी, तो तुम ना मानो तो चूल्हे में जाओ, नहीं मानो तो जाओ। अरे भाई खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, पढ़ा है हमने, पढ़ा है तो मानना पड़ेगा, क्यों जी? उसी तरह तुमने अपने बाप दादों को नहीं देखा तो क्या नहीं थे? थे, तब तो तुम पैदा हुए। उसी तरह ईश्वर को तुमने नहीं देखा तो तुम ना देखोगे तो क्या यह सिद्ध कर लिया जाएगा कि ईश्वर नहीं है क्योंकि हमने नहीं देखा? अरे तुमने नहीं देखा
तुम्हारी आंखें खराब हैं, उल्लू को सूर्य नजर नहीं आता, तो क्या उल्लू के नजर ना आने से सूर्य नहीं है? सूर्य है, उल्लुओं को नजर नहीं आते। ऐसे तुम बेवकूफों को भगवान नजर नहीं आते, हम क्या करें? तुम अपनी आंखों का इलाज करा लो, फोड़ डालो, हमें क्या करना? पर तुम सत्यता को कैसे नकार सकते हो? वो तुम नकारो, कोई कहे मैं नहीं मानता तो नहीं मान भैया, नहीं मान, तेरे ना मानने से होगा क्या ये बता। कोई कहे मैं शंकर जी को नहीं मानता, मैं वेद पुराणों को नहीं मानता, नहीं मान, तेरे ना मानने से क्या हो जाएगा? शंकर जी सबसे पहले सर्जन थे, मतलब थे, तू मान चाहे चूल्हे में जा, थे मतलब थे। हम कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं, गणेश जी का आज भी मुंह हाथी का है, ससुर जी का आज भी उनके ससुर जी का मुंह बकरे का है, तू मान ना मान। शास्त्र जो कह रहे हैं, मतलब कह रहे हैं, सच कह रहे हैं, इसमें असत्य की कोई बात नहीं।